दोस्तों, पहले आपको दिखाता हूँ, मेरा इक्लिप्स में कोई विंडोज़ बिल्डर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, मतलब विंडोज़ बिल्डर का कोई पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए मैंने आदर में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी विंडोज़ बिल्डर मतलब जे फ्रेम या स्विंग का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा वही आज आपको दिखाऊंगा। तो इस विंडोज़ को मैंने क्लोज करता हूँ। आप अच्छी तरह देखिए, यहाँ पे कोई विंडोज़ बिल्डर एप्लीकेशन या जे फ्रेम या स्विंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए मैं आता हूँ हेल्प में। उसके बाद इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, वहाँ पे मैंने क्लिक, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो दूसरा लिंक है, जहाँ पे लास्ट में नियॉन लिखा है, मतलब मेरा इक्लिप्स नियॉन का वर्सन है, उस लिंक में मैंने क्लिक करता हूँ और थोड़ी देर वेट करता हूँ। दोस्तों, ये प्रोसेस करने के समय आपका पीसी में इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी होता है। आप जब ये प्रोसेस करेंगे तब इंटरनेट को आपका पीसी में कनेक्शन रहना ज़रूरत है। तो इसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए, यहाँ पे जितने सारे पैकेज है और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्विंग और विंडोज़ बिल्डर एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, इसलिए सभी पैकेज को एक्सप्लोर करके देख रहा हूँ कहाँ पे ये विंडोज़ बिल्डर और स्विंग एप्लीकेशन अवेलेबल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल पर्पस टूल बोल के एक पैकेज है और इसका अंदर स्विंग का जितने सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे स्विंग और जे फ्रेम का जितने सारे सॉफ्टवेयर है उसको मैंने सिलेक्ट करूँगा देखिए, और यहाँ पे जनरल पर्पस टूल का अंदर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। विंडोज़ बिल्डर एप्लीकेशन और स्विंग का जितने सारे कंपोनेंट है वो दिखाई दे रहा है, तो मैंने वहाँ पे विंडोज़ बिल्डर और स्विंग का पैकेज को सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं, स्विंग डिज़ाइनर डॉक्यूमेंट्स, स्विंग डिज़ाइनर और SWT डिज़ाइनर कोड, और नीचे SWT डिज़ाइनर डॉक्यूमेंटेशन, SWT डिज़ाइनर, SWT, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर एक बार नेक्स्ट, उसके बाद आई एक्सेप्ट में क्लिक करता हूँ और देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपका पीसी में इंटरनेट स्पीड के हिसाब से, तो मैंने ये प्रोसेस को यहीं पे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और ये इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है। देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू विल नीड टू रिस्टार्ट इक्लिप्स फॉर द चेंजेस टू टेक इफेक्ट। इक्लिप्स को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यस में क्लिक करता हूँ और देखिए, ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन मतलब इक्लिप्स बंद हो गया है। देखिए, यहाँ पे इक्लिप्स ओपन हो गए हैं और आपको दिखाता हूँ एक
विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट करके न्यू पे, यहाँ पे न्यू पे आ गए हैं और अदर्स में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ बिल्डर का अंदर यहाँ पे इक्लिप्स का सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक को मैंने सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ और फिनिश में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइनर के अंदर विंडोज़ का जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी तरह आप भी आपका इक्लिप्स या नेटबीन्स के अंदर विंडोज़ बिल्डर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और स्विंग का जो कंपोनेंट वो आप यूज में ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा इस तरह एक नया वीडियो में।